day. Praise the Lord. खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबों की खिदमत में पास्टर शहजाद का बहुत बहुत सलाम। मेरे अजीजों, मेरा दिल खुदा की पाक हजूरी में शुक्रगुजारी से भरा है आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, इस वक्त के लिए जो खुदावंद खुदा ने हमें दिया कि हम उसके नाम को मुबारक कह सकें। तो आज बड़ा ख़ास वक्त है, ये दिन बड़ा ख़ास है और मैं चाहता हूँ कि आज इस ख़ास दिन में कुछ ख़ास बातें, सच्चाई की बातें, हम सब की लिए तकवीत की बातें, बरकत की बातें आज उन्हें सुना जाए, उन्हें सीखा जाए। और मैं ये मान रखता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम के वसीला से आप यकीनन आज बरकत पाएंगे। इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम का आगाज़ करूं, खुदा के खादमीन का तारफ़ करवाऊं, सबसे पहले आज मैं चाहता हूं कि अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे। खुदा के खादम पास्टर खुरम यूनस के साथ मिलकर हम उसके नाम को मुबारक कहेंगे, उसके बाद इस प्रोग्राम को लेकर आगे चलेंगे। आए अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करते हैं। आए मेरे अज़ीज़ो, हम दुआ करेंगे। खुदावंद कदूस जलाली और पाक खुदा, तेरे करामात, तेरी मंसूबे, तेरी स्ट्रेटजीज ये इलाही हैं और हम इनके लिए तेरा शुक्र करते हैं कि जिनमें से एक ये कि इंसान के लिए तूने अपने तरीके से, अपने तौर पर नजात का इंतज़ाम किया है। हम उन तमाम बातों के लिए जो इंसान की स्टोरी ऑफ रिडेम्पशन या नजात की कहानी में मौजूद हैं, जिनका लिखने वाला तू है, जिनका मरकजी किरदार भी तू है और तू ही मंबा है उसमें बरकत का और नजात का, हम तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावंद, हम जो गुनाहगार इंसान तेरे बेटे यीशु मसीह के लहू के वसीला से मुकद्दस ठहरे, उसी के लहू के वसीला से हमारी तकदीस हुई, रूहुल कुद्स इनाम में पाते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें यह तौफीक दी कि आज इस खुदावंद चैनल के तोफ़ैल और वसातत से हम खुदावंद उन सच्चाइयों और भेदों को बयान कर सकें। पास्टर शहजाद, इनकी सारी टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो शब रोज़ खुदावंद मेहनत के साथ और कमिटमेंट के साथ और फेथफुलनेस के साथ तेरी खिदमत में हम अतनगोश हैं। खुदावंद तू इनको बरकत दे। मेरे भाई जो साथ यहाँ बैठे हैं, पास्टर इंसराम के लिए, पास्टर सैमसन के लिए, अपने लिए तेरी इलाही हिकमत को मांगता हूँ, क्योंकि तुझसे जुदा होकर तेरी हिकमत के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। हमें तेरी विजडम भी चाहिए, हमें तेरी अनॉइंटिंग भी चाहिए। तू हमारी रहनुमाई कर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हर रोज़ आप प्रेस टीवी देखते हैं, हर रोज़ आप मुख्तलिफ खादमीन से मिलते हैं और आप सुनते हैं कलाम की खूबसूरत बातों को। तो आज भी इसी तरह आप मिलेंगे खुदा के खादमीन से और सुनेंगे कलाम की खूबसूरत सच्चाइयों को। आप हर रोज़ खुदा के कलाम के साथ साथ खुदा के खादमीन की गवाहियों को भी सुनते हैं और मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि आप कई बार पहले भी पास्टर खुरम को और डॉक्टर इंसराम सुदागर साहब को और पास्टर सैमसन को आप पहले भी प्रेस टीवी के स्क्रीन पर देख चुके हैं, आप उनकी गवाहियों को सुन चुके हैं। तो आज मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कलाम की खूबसूरत बातों को दिया जाए, जबकि गवाहियाँ आप ऑलरेडी जो है वो सुन चुके हैं। तो खुदा के खादमीन का तारफ़ करवाता चला जाऊँ। हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर खुरम यूनस, हम आपको वेलकम कहते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आपके लिए, आपकी सारी खिदमत के लिए, जो बोझ खुदा ने आपको खिदमत का दिया आप उसे अपने बादशाह के लिए पूरे दिल से, पूरी जान से और पूरी वफादारी से खुदा की खिदमत के इस काम को लेकर चल रहे हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू। और इनके साथ हमारे प्यारे भाई खुदा के खादम डॉक्टर इंसराम सुदागर, हम आपको भी वेलकम कहते हैं और आपके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा जवानी के अयाम में आपको बड़ी कुदरत के साथ, बड़ी कसरत के साथ खुदा इस्तेमाल कर रहा है। और इनके साथ हमारे प्यारे भाई पास्टर सैमसन, हम आपको भी वेलकम कहते हैं और आपके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ो, आज का दिन खूबसूरत दिन है और बड़ा ख़ास दिन है, बल्कि पूरी मसीह कौम के लिए ना सिर्फ, बल्कि मैं समझता हूँ पूरी कायनात के लोगों के लिए एक ख़ास दिन है, क्योंकि यीशु मसीह ना सिर्फ मसीही कौम के लिए, ना सिर्फ किसी ख़ास कबीले के लिए, ना किसी ख़ास तबके के लिए, ना किसी ख़ास नस्ल के लिए, बल्कि यीशु मसीह सारी दुनिया के लोगों के लिए इस दुनिया में आया और उसने सब के लिए दुख उठाया। और मैं आज इस बात पर ईमान रखता हूँ कि यीशु मसीह का कफारा जो था वो आलमगीर था।
ना सिर्फ मसीहियों के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए, ना सिर्फ अमेरिकन के लिए, ना सिर्फ इंग्लैंड के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान को कुर्बान किया। और आज उसी कुर्बानी के तलक से हम बात भी यहाँ पर करेंगे, जिस तरह के गुड फ्राइडे को आज सारे चर्चेज सेलिब्रेट करने को हैं, कुछ कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं। मैं आज चाहता हूँ कि गुड फ्राइडे के तलक से आज बात की जाए। तो मिलते हैं पास्टर खुर्रम यूनुस के साथ और इनके साथ मिलकर आज गुड फ्राइडे के तलक से बात करेंगे। जी पास्टर साहब, एक बार फिर हम आपको वेलकम कहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आज जिस तरह के गुड फ्राइडे के खास दिन को लेकर हम चल रहे हैं, और आज इस दिन को बहुत सारी कलीसियाँ, बल्कि सारी कलीसियाएँ वर्ल्ड वाइड इस दिन को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, और चर्चेज में इबादत की जा रही हैं, कलाम प्रीच किया जा रहा है, और फिर ख़ास लोग रोज़ा रख कर इस दिन में खुदा की पाक हजूरी में बैठे हुए दिखाई देते हैं। मैं चाहता हूँ कि आज गुड फ्राइडे के तलक से पैगाम जो है वो आज कलीसिया तक पहुँचे, और आज मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी बातें जो खुदा के रूह की गाइडेंस से आज आप कलीसिया तक पहुँचाएँगे। मैं मान रखता हूँ कि आज कलीसिया के लोग आज पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में लोग बरकत पाएंगे। आमीन। जी पास्टर शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और मैं दिली तौर पर इस बात के लिए बड़ा खुश हूँ और अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप क्रिश्चियनिटी के बड़े अहम मौजूआत के ताल्लुक से यहाँ पर जो है गुफ्तगू करने का मौका फराहम करते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये वो बातें हैं, गुड फ्राइडे है, पाम संडे है, और ये ईस्टर है, क्रिसमस है, इस पर हमारे डॉक्ट्राइंस खड़े हैं या ये हमारे डॉक्ट्राइंस पर खड़े हैं, तो इन चीज़ों पर बात करना नहायत ही ज़रूरी है ताकि हमारे लोगों को दुरुस्त तालीम दी जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो गुड फ्राइडे के ताल्लुक से बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरह आपने भी फरमाया कि क्रिश्चियनिटी अब एक इलाकाई मज़हब नहीं है, क्रिश्चियनिटी जो है ये ग्लोबल जो है वो रिलीजन बन चुका है, ये ग्लोबल जो है वो एक मजहबी सूरत अख्तियार कर चुका है, और इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि इसमें ना सिर्फ हम पाकिस्तान के ताल्लुक से बात करें, गो के हमारा सियाको सबाक ये है, बल्कि हम दीगर जो दुनिया में ज़ुबानें बोली जाती हैं और दुनिया में जितने भी कल्चर्स हैं इनके हवाले से भी देखें कि वो क्रिश्चियनिटी को या त्यौहारों को या ईदैन को कैसे लेते हैं। तो गुड फ्राइडे के ताल्लुक से पहली बात ये कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये मुश्तिक है गॉड्स फ्राइडे से, और ये गॉड्स फ्राइडे से लिया गया, लेकिन मैं जब इस पे स्टडी कर रहा था इसकी लिंग्विस्टिक्स पर, इन अल्फाज पर, तो उसमें मुझे कुछ चीज़ें सामने आईं। उसमें पहली ये थी कि जो जर्मन स्पीकिंग कंट्रियाँ या जहाँ जर्मनी बोली जाती है, जर्मन लैंग्वेज, वहाँ पे एक लफ्ज़ है कार फ्री टैग, जिसका कार का जो मतलब है मातम, और फ्री टैग जर्मन ज़ुबान में फ्राइडे को कहा जाता है, और फिर वहीं पर बोला जाता है स्टिलर फ्री टैग, जिसका मतलब है साइलेंट फ्राइडे, वो जुम्मा जिसमें खामोशी हो, पहला जुम्मा जिसमें मातम हो, फिर हो हैर फ्री टैग, जिसका मतलब है वो जुम्मा जो मुकद्दस है, पाक जुम्मा, और फिर इसी तरह हम यूनानी जुबान में जाएं तो वहां पे लिखा है पायस फ्री टैग, यानी वो पाकीज़ा जुम्मा, यानी वो पाक, पायस होली। तो मैं ये समझता हूं कि अगर हम इसको कहें ये गॉड्स फ्राइडे से मुश्तिक है, तो ये गॉड्स फ्राइडे से मुश्तिक होने का इसका इतलाक ये होगा कि ये गुड फ्राइडे की जगह ये होली फ्राइडे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस दिन वो काम हुआ जो ना तारीख में कभी हुआ था और ना मुस्तकबिल में कभी होगा, और उस दिन की तारीख के वसीला से आज हमारे मुस्तकबिल रोशन हो गए हैं। सो इसकी बात के लिए खुदा का शुक्र हो। आमीन। फिर गुड फ्राइडे के ताल्लुक से हम देखते हैं कि कुछ डिफरेंट इवेंट्स टेक प्लेस किए थे। उसमें पहली चीज़ जो ये थी कि यहूदा जो है वो यीशु को धोखे से पकड़वाता है, मत्ती 26, मरकस 14 और यूहन्ना 22। फिर यीशु की गिरफ्तारी है, मत्ती 26, मरकस 14, लुका 22। फिर यीशु को मौत का हुक्म दिया जाता है, मत्ती 26, पैंतुस के सामने पेश किया जाता है, लुका 23। सलीब दी जाती है, डिमांड की जाती है, यूहन्ना 18, मरकस 15। यीशु की मौत के ताल्लुक से यूहन्ना 19 और मत्ती 27 और मरकस 15। ये है गुड फ्राइडे का बिब्लिकल अकाउंट। अगर किसी ने, जो लोग सुन रहे हैं सामाइन,
और जो है वो सुन रहे हैं इस बात को और नाज़रीन देख रहे हैं। ये हवाला जात आप ज़रूर ये जो मैं बोलता हूँ नोट करें, क्योंकि आप इनको बाद में पढ़ सकते हैं और इनके पढ़ने की बेस पे आप किसी खादम की बातों की बुनियाद पे आपका डॉक्ट्राइन नहीं खड़ा होगा, बल्कि बाइबल की तालीम पर आपका डॉक्ट्राइन खड़ा होगा। और जो इंसान की बातों पर खड़ा होता है वो गिर सकता है, पर जो खुदा के कलाम पर खड़ा होता है वो हमेशा कायम रहता है, क्योंकि कलाम कभी हमेशा नहीं गिरता। अब सवाल ये है, बल्कि एक चीज़ मैं चाह रहा था मैं ज़रूर आपके चैनल पर बयान करूँगा, बहुत दफ़ा देखा गया है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मैं हैरान हो गया पादरी साहब, वेस्ट में मगरिब में भी कुछ चर्चिज़ जो हैं जैसे लूथरंस और एंग्लिकन्स और रोमन कैथोलिक्स, ये लोग जो हैं ये मोस्टली हम देखते हैं गुड फ्राइडे वाले दिन काले रंग के कपड़े पहन लेते हैं और मातम करते हैं, रोते हैं और गुड फ्राइडे को मातमी फ्राइडे में शक्ल दे देते हैं। अब इसकी भी एक वजह है, तारीखी एतबार से कलीसियाओं में गुड फ्राइडे के हवाले से गम का उंसर शुरू ही से पाया जाता था। अगर चौथी सदी में देखें कलीसियाई रसालती आयन, तो उसमें भी इसकी तारीफ यूं की जाती है, ये वो फ्राइडे है जब मातम किया जाए। अगर आप बिशप एम्ब्रोज, जिसने बिशप ऑगस्टीन को इस बात पे छोड़ दिया था जब वो अभी बिशप नहीं बना था, उसने इस बात पे छोड़ दिया था कि वहां लिखे इंग्लिश में नोटोरियस सिनर, ये बहुत ज्यादा गुनाह करने वाला शख्स है, तो बिशप एम्ब्रोज ने ऑगस्टीन को छोड़ दिया था और बाद में देखें वही ऑगस्टीन हिप्पो का बिशप बना और खुदा ने उसी गुनाहगार को बिशप बना के खड़ा कर दिया। आज भी बहुत से लोग जब हम दूसरों को छोड़ देते हैं, कल को उन्हीं लोगों में से खुदा खादिम भी खड़े कर सकता है। तो बिशप एम्ब्रोज जो है वो भी यही कहता है, ये गुड फ्राइडे वो दुखी दिन है जिस दिन हम रोजा रखते हैं। कलीसियाओं में चर्चिस में लाइट्स नहीं जलाई जाती, कैंडल्स जलाई जाती हैं, काले कपड़े पहने जाते हैं। और फिर कैथोलिक्स में खास तौर पर, एक मैं जब कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया की स्टडी कर रहा था तो वहां पे लिखा हुआ था एक चीज जो मुझे नजर आई, इसमें स्टेशंस ऑफ क्रॉस होते हैं, यानी वो मकामात जिन पे मसीह उस मकाम से जब सलीब उठाई और गोलकाता के मकाम तक जहां तक स्लीप गई, 14 वो 14 मकामात थे जहां वो रुकते रहे, और स्टेशंस ऑफ क्रॉस इन्हें कहा जाता है। और वो जगह जहां से यीशु ने स्लीप उठाई और गोलकाता के मकाम तक, ये पूरी जगह को लातिनी में विया डोलोरोसा कहा जाता है, और विया डोलोरोसा का मतलब वो जगह यरूशलम में जो राहे कलवरी है या कलवरी तक जाती है। देखिए भाई साहब, इन चीज़ों का लोगों को नहीं पता, और जब पता होगा तो फिर हम बेदात की तरफ और गलत तालीमात की तरफ नहीं जाएंगे। तो विया डोलोरोसा वो जगह है यरूशलम में जहाँ से खुदावंद गुजरे। और अगर आप कैथोलिक चर्चिस में देखें या दीगर जगहों पर देखें, वहाँ पर उन्होंने 14 मकामात पर 14 किस्म की तस्वीरें भी जो हैं वो लगाई होती हैं, ताकि हर जगह पर जहाँ जहाँ यीशु गिरते और रुकते थे वहाँ क्या होता था, शमाउन करीनी के पास क्या हुआ, मरियम के पास क्या हुआ, वहाँ जब सलीब नहीं उठाई गई गिरने लगे क्या हुआ, तो ये 14 मकामात थे। ये है इसका हिस्टोरिकल अकाउंट। तो सबसे पहले मैंने आपको बिब्लिकल अकाउंट बताया, उसके बाद मैंने आपको इसका हिस्टोरिकल अकाउंट बताया। अब मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि गुड फ्राइडे वाले दिन तीन बड़ी चीज़ें हुई थी। उसमें जो पहली बड़ी चीज़ हुई थी, लिखा है कि तारीकी छा गई थी, जमीन पर तारीकी छा गई थी। इस पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि यह तारीकी छा क्यों गई, और खुशी की बात यह है तारीकी छाई नहीं रही, फिर से रोशनी चमकी थी, जैसे तारीकी में से नूर चमकता है। और मैं भाई साहब जब स्टडी कर रहा था तो बाइबल मुकद्दस के साथ साथ जब मैं तफासीर की स्टडी की, तो चार्ल्स स्पर्जन एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है। चार्ल्स स्पर्जन इसकी तफसीर यूं करता है इस हिस्से की, वो कहता है जब खुदावंद खुदाए अज़ीम ज़ुल जलाल कादिर मुतलिक, जो इंसान की सूरत में बशरियत को अख्तियार करके, खुदा होना छोड़ा नहीं पर बशरियत को अख्तियार करके सलीब पे चढ़ के तारीकी ला सकता है, तो जब वो वापस आएगा, तो जब उजाला लेकर आएगा, तो वो नूर किस कदर होगा। जब सलीब पर चढ़कर ये तारीकी इस कदर हो सकती है, और वो कहते हैं सितारे भी दिखने लग गए, तारीकी इतनी थी, तो जब इस कदर तारीकी हो सकती है, तो वही जब आएगा घोड़े पर सवार होकर असा के साथ, तो वो नूर भी किस कदर होगा जब सितारों की रोशनी भी मान पड़ जाएगी, बल्कि सितारे भी उस रोशनी के मोहताज बन जाएंगे। सो पहली चीज़ तारीकी छा गई। अब भाई साहब एक बात, ये बहुत से लोग हमें ये सवाल कर सकते हैं कि आप क्रिश्चियन हैं, मसीही हैं, ये तारीकी छा गई तो आपकी बाइबल में लिखा है, हमें बाइबल से हट के सबूत दें, ये और कहाँ लिखा है। तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें मेरे पास हैं भाई साहब।
पहली चीज मत्ती इसकी गवाही देता है 27 बाब में, मरकस इसकी गवाही देता है 15 बाब में, लूका इसकी गवाही देता है 23 बाब में। ये तो थी बाइबली गवाही। अब हम गैर बाइबली गवाही या वो लोगों की गवाही लेते हैं जो क्रिश्चियन नहीं थे, मौरख थे, तारीखदान थे। उनमें से पहला जिसने गवाही दी इस बात की वो था थालूस, दूसरा शख्स फिलिगोन, तीसरा शख्स अफ्रीकानस। अफ्रीकानस वो बंदा था जिसने 221 बाद अज मसीह में 5 वॉल्यूम तारीख पर दुनिया की लिखे, और ये वो बंदा था जिसको रूमी हुक्मरान अलेक्जेंडर सेवेरियस ने ये हुक्म दिया था कि तू पेंथियन में मेरी पर्सनल लाइब्रेरी का सरबराह बन और मेरी लाइब्रेरी में किताबों की तरतीब तू ही करेगा। और ये लाइब्रेरी रोम में वाकया थी क्योंकि रोम गढ़ था एजुकेशन का और पेंथियन में ये लाइब्रेरी थी। हुक्मरान अलेक्जेंडर सेवेरियस था। बंदा जिसको कहा जा रहा है वो अफ्रीकानस था, और अफ्रीकानस वो बंदा है जो क्रिश्चियन नहीं था, ग्रीक हिस्टोरियन था, यूनानी मौरख था, तारीखदान था, लेकिन जो क्रिश्चियन नहीं भी थे वो भी ये गवाही देते हैं कि तारीख में ये वाकया हुआ था जब अंधेरा छा गया था। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा खुदा महज बाइबल की गवाही पर नहीं बल्कि हमारे खुदा की गवाही दुनिया भी देती है कि वो जिंदा खुदा है। आमीन। सो पहली चीज ये कि अंधेरा छा गया था, ये पहली चीज हुई थी गुड फ्राइडे वाले दिन। अंधेरा छाया मतलब गुनाहों का बोझ मसीह पर था। गुनाह तारीकी को जाहिर करता है और जो रोशनी है वो सच्चाई को जाहिर करती है। गुनाह झूठ है और जो रोशनी है वो सच और हक की बात को जाहिर करती है। भाई साहब, दूसरी चीज जो हुई वो था हैकल का पर्दा फट गया, और मत्ती जो है इसको कहता है मकदिस का पर्दा बीच से फट गया, मत्ती 27 और लूका 23। मैं जब इस पे गौर कर रहा था तो लिखा था कि मकदिस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा, नीचे से ऊपर नहीं फटा। ऊपर से नीचे इसलिए फटा क्योंकि फटना ऊपर से शुरू हुआ था। ये खुदा ने मिलाप किया था, इंसान ने मिलाप नहीं कर सकता था। नीचे से ऊपर नहीं फटा, इंसान की काविश नहीं, ऊपर से नीचे तक फटा, खुदा की ये बात थी, उसने ये मिलाप किया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सो अगर आप गौर से उसका मुतालिया करें तो लिखा है कि ऊपर से पर्दा नीचे तक फटा। तारीख क्या बताती है? पर्दा 60 फुट ऊंचा, 30 फुट चौड़ा और आदमी के एक पूरे हाथ बराबर जितना मोटा, 300 काहिन इसको तकरीबन मूव करने के लिए इस्तेमाल होते थे। सो जो नजात का काम है और कफारे का काम है वो इंसान तो काविशें करता रहा लेकिन इंसान की काविश से नहीं हुआ। जो सल्वेशन है, नजात है, कफारा है, ये खुदा ने खुद किया है। इसलिए क्योंकि अगर ये इंसान की काविश से होता तो आज फखर खुद पर करते, पर चूंकि ये खुदा ने किया है तो इसलिए पौलुस कहता है हमारा फखर सलीब है। हालेलुया, हालेलुया। सो और जो हैकल का पर्दा फटा, बुनियादी तौर पर वो पर्दा फटा इसलिए था क्योंकि खुदा ये बताना चाहता था, ये बेसिकली दो पर्दे होते थे, जो एक पर्दा था वो पाक मकान के पास था, एक पर्दा था वो पाक तरीन मकान के आगे था, जहां साल में एक बार हाई प्रीस्ट या सरदार काहिन अंदर दाखिल हुआ करता था। और मैं इसकी ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, ये मोस्टली लोग इस चीज को जानते हैं, लेकिन चूंकि ये इसलिए हुआ ताकि खुदा ये ऐलानिया तौर पर बताना चाहता था बनिनो इंसान को कि अब मेरे तक रसाई ये काहिन या उसके भेड़ बकरियों के खून के वसीला नहीं, बल्कि मेरे तक रसाई वो सरदार काहिन जो अपना खून लेकर पाक तरीन मकान में दाखिल हो गया, जिसका नाम यीशु है। आज सबको ये दावत आम दी जाती है कि जो कोई आज पाक तरीन मकान में आना चाहता है, तुम यीशु का लहू लेके जाओ, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, बल्कि उस नाम के आगे तो फरिश्ते भी सजदा करते और झुकते हैं कि वही खुदामंद खुदा अजीम है। अब्रानियों 10:19-20 हवाला इस असना में, इस जुमर में देना चाहूंगा। वहां लिखा है, बस है भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दिलेरी है, जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस किया है। ये मखसूस जगह है, हमारे वास्ते है। तीसरी चीज भाई साहब, जो 2 मिनट में मैं इसको खत्म करूंगा, हुई वो ये थी कि जमीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गई। यहां पर 2 बातों का बयान करूंगा। पहली चीज चट्टानें। चट्टान के लिए यूनानी में 2 तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, पहला पेट्रा, दूसरा लिथोस। पेट्रा जो लफ्ज है चट्टान के लिए वो है बड़ी चट्टाने, और लिथोस का मतलब है छोटी चट्टाने, और लफ्ज है तिड़क गई।
तिड़क जाने के लिए जो यूनानी में लफ्ज है वो है शिट्जो। शिट्जो का मतलब है जैसे हड्डी फ्रैक्चर होती है, ऐसे ही चट्टाने फ्रैक्चर हो गई। खुदावंद यीशु मसीह की फतह का ऐलान गुनाह और कबर और इबलीस और उसकी ताकतों पर इतना बड़ा था कि यहूदी तो चुप रहे, रूमी तो चुप रहे, पर खलकत जो उसके वसीला तखलीक हुई थी वो ये चिल्ला उठी, चट्टाने फट पड़ी, ये बताने के लिए कि जिसको तुमने मसलूब किया वो हमेशा के लिए मसलूब ना रहेगा, जी उठेगा, फाते है, जिंदा है, खुदावंद है, हमारा बनाने वाला भी वो है, तुम्हारा बनाने वाला भी वो है। सो यहाँ पे जो चट्टानों के लिए लफ्ज लिथोस नहीं इस्तेमाल हुआ, यहां पर पेट्रा लफ्ज इस्तेमाल हुआ, जिसका मतलब कि यीशु मसीह के वसीला से और फतह के वसीला से और नारों के वसीला से जो उसने पाई मौत कब्र पर, उसकी वजह से बड़े बड़े पहाड़ फ्रैक्चर हो गए। और आज भी वो जिंदगियां जो दुनिया के गम से सितम से फ्रैक्चर हो जाती हैं उनको भी मसीह अपना खून लगा के शिफा दे देता है। आमीन, आमीन, थैंक यू जीसस, वंडरफुल। बड़ी खूबसूरत बातें खुदा के खादम ने हमारे साथ शेयर की है। मैं इमारतों हूँ कि आज यकीनन आप बरकत पा रहे हैं। जी पास्टर इंसराम साहब, बड़ी ज़बरदस्त बातें खुदा के बंदा पास्टर खुरम ने की हैं, और गुड फ्राइडे के तलक से उन्होंने बिब्लिकली भी बताया, हिस्टोरिकली भी बताया, और जिस तरह खुदा के उन्होंने गाइड किया, सारी बातों को उन्होंने खोला है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और आप हमारे साथ हैं और कलीसिया चर्च भी हमारे साथ है, हम सब इस वक्त इकट्ठे हैं और मैं इमारतों हूँ कि एक दूसरे के लिए बरकत का सबब बन रहे हैं। तो ब्रेक के बाद हम बात करेंगे दोबारा से गुड फ्राइडे पे। कलीसिया से कहूँगा, चर्च से कहूँगा, नाज़रीन से कहूँगा, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और सुनेंगे कलाम की खूबसूरत बातों को। खुदा आप सबके साथ हो। आमीन। Your Miracle Day. Your Miracle Day. वेलकम बैक। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप हमारे साथ हैं और आप सुन रहे हैं कलाम मुकद्दस की खूबसूरत बातों को। जी डॉक्टर इंसराम, चर्च कलीसिया नाज़रीन हमारे साथ हैं और गुड फ्राइडे के तलक से आज हम बात कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे गुड फ्राइडे के तलक सर से? पहली बात तो मैं कलीसिया को गुड फ्राइडे की मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि कलीसिया इस मुकद्दस होली जुमे को मना रही है और पूरी दुनिया के अंदर खुदा की पाक कलीसियां इस इवेंट के अंदर शरीक हैं। दूसरी बात, गुड फ्राइडे के ताल्लुक से हम बहुत सारी बातें सीखते आए हैं, सीख रहे हैं, लेकिन गुड फ्राइडे अच्छा जुमा, मुबारक जुमा बना क्यों, इसकी चंद वजूहात पर आज हम गौर करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाइबल मुकद्दस हमें बड़ी फसाहत के साथ बयान करती है कि बनी इसराइल जब बाबुल की असीरी में गए तो बाबुल की असीरी में जाने के बाद उनके अंदर गुमराही पैदा हो गई, और गुमराही इस हद तक पैदा हो गई कि खुदा का हुक्म था कि तुम लावी के ख़ानदान में से कहानत को चुनना। खुदा ने लावी को, लावी के ख़ानदान को कहानत का मुनसब दिया था, लेकिन बाबुल की असीरी में जाने के बाद बनी इसराइल इतनी गुमराह हो गई, उनकी तालीमात, उनकी ज़ाती पॉलिसीज़ ने आकर शरीयत को भी दबाने की कोशिश की, और दुनिया की तारीख इस बारे में बयान करती है कि खुदा का हुक्म था कि लावियों में से सरदार काहन होना ज़रूर है, लेकिन बनी इसराइल ने लावी के ख़ानदान को रद्द करके दूसरे तमाम ख़ानदानों में से सरदार काहन चुनना शुरू कर दिए। और अगर हम तारीख का मुतालिया करें तो हमें ये बात बड़ी खूबसूरती से पता चलेगी कि हेरोदीस जो खुदावंद यीशु मसीह के दौर का बादशाह था वो खुद भी सदूकी था, और बनी इसराइल के अंदर जो 39 फिरके बन गए थे उन फिरकों ने अपनी अपनी तालीम को राइज करना शुरू कर दिया, और बनी इसराइल के सारे कबीले सदूकियों से नफरत करते थे, और सदूकी वो लोग थे जिनका एतिकाद ना तो फरिश्तों पर था, ना कयामत पर था, ना मर कर उसके बाद की जिंदगी पर था।
لیکن آج سیکھنے کی بات غور طلب بات یہ ہے کہ اس دور کا سردار کاہن وہ بھی صدوقی کے فرقہ سے تعلق رکھتا تھا، ایک ایسا فرقہ جس کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ فرقہ بدتی تھا اور پوری بنی اسرائیل قوم نے خالصتاً یہودیوں نے انہیں رد کر دیا تھا، انہیں بدتی کہا جاتا تھا، ان سے تعلق نہیں رکھا جاتا تھا، ایک ایسا فرقہ ان پر براجمان ہو گیا تھا جو صدوقی تھا، جن کے اندر نفرت کی تعلیم، حسد کی تعلیم، بدت کی تعلیم پائی جاتی تھی، اور بائبل اس بارے میں بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے کہ کیفا جو سردار کاہن تھا وہ خود بھی تاریخ کہتی ہے کہ صدوقی تھا، اور ایک صدوقی شخص، ایک ایسا شخص جو بدت کے اندر مبتلا ہے اور اسی بدتی فرقے کا بادشاہ جس کا نام ہیرودیس تھا، اور بائبل آج بھی اس بادشاہ کے تعلق سے بیان کرتی ہے، تاریخ اس بارے میں بتاتی ہے کہ وہ بدتی فرقہ خدا پر، خدا کے لوگوں پر، خدا کے لوگوں کی نسلوں پر اتنا براجمان تھا کہ شرعی عدالت کے حقوق ان کے پاس تھے، وہ سپریم کونسل، شرعی عدالت کی سپریم کونسل کا اختیار ان کے پاس تھا، اور موسیٰ کی تعلیم، موسیٰ کی توریت میں ذکر ہے کہ خدا نے موسیٰ سے کہا تھا کہ 70 بزرگ چن لینا اور 71واں بزرگ وہ ہوگا جو سردار کاہن ہوگا، 71واں بزرگ تم چن لینا، اس لیے چن لینا کہ اگر 70 بزرگ کسی پہ فتویٰ جاری نہ کر سکیں اور دونوں طرف کی پارٹیاں جو تھیں وہ اچھے طریقے سے ٹرائل نہ کر سکیں تو جو اس کاؤنسل کا ہیڈ ہوا کرتا تھا وہ اس بات کو ان پر عیاں کرتا تھا کہ میں ایک ووٹ دے کر کسی کو مجرم بھی ثابت کر سکتا ہوں اور کسی کو آزاد بھی کر سکتا ہوں. آج عزیزوں یہ بات سیکھنے کی ہے، پروفیسر خرم صاحب نے بڑی خوبصورتی سے تاریخ کی باتیں ہم تک پہنچائی ہیں، لیکن میں عدالتوں کی بات کروں گا، صدوقیوں کی عدالت جسے شرعی عدالت کہا جاتا تھا، شرعی عدالت کے اندر فریسی نہیں ہوا کرتے تھے، فریسیوں کا کام صرف لوگوں کو مدرسوں میں سکھانا تھا، بچوں کو تورا کا حفاظ بنانا تھا، تورا حفظ کروانا تھا، لیکن صدوقیوں کا کام شرعی عدالت کے سارے دستور کو سنبھالنا تھا، اور شرعی عدالت اس لیے ان کے اختیار میں تھی کیونکہ اسی فرقے کا بادشاہ جو کہ ہیرودیس تھا وہ بادشاہ براجمان تھا، اور صدوقیوں کو یہ خطرہ تھا کہ لوگ خداوند یسوع مسیح کو ان کے استقبال کے وقت چلا چلا کر یہ کہہ رہے تھے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، ہوشنا، ہمیں نجات دے، وہ جانتے تھے کہ کوئی بادشاہ انہیں مخلصی دے سکتا ہے، رہائی دے سکتا ہے، آزادی دے سکتا ہے، صدوقی ان باتوں سے پریشان تھے، اور صدوقیوں نے خداوند یسوع مسیح کے لیے طرح طرح کے جال بچھانا شروع کر دیے، کبھی خداوند یسوع مسیح سے آ کر مناظرہ کرتے تھے، کبھی خداوند یسوع مسیح کی غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے تھے، اور یسوع مسیح کی تعلیم بڑی خوبصورت ہے کہ صدوقیوں کے خمیر سے ہوشیار رہنا، صدوقیوں کی تعلیم سے ہوشیار رہنا، بلکہ ایک دفعہ تو یہ بھی کہا گیا کہ اے سانپ کے بچوں، صدوقیوں سے کہا گیا اے سانپ کے بچوں تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو. یسوع مسیح کی تعلیم اور یہودیوں کی تعلیم صدوقی فرقہ کے خلاف تھی، وہ لوگ ان سے نفرت کیا کرتے تھے، لیکن مجبور اس لیے تھے کہ صدوقی لوگ شرعی عدالت پر قابض تھے، خواہ وہ بادشاہ کے ساتھ اپنی کسی ذاتی نوعیت کی وجہ سے یا بدعت پھیلانے کی وجہ سے یا یہودیوں کی تعلیم کو کمزور کرنے کی وجہ سے وہ اپنے عہدوں پر براجمان تھے، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ وہی صدوقی لوگ تھے جنہوں نے یسوع مسیح پر فتوے جاری کیے، ایک دفعہ تو یسوع مسیح سے آ کر کہا گیا کہ ایک عورت نے شوہر کیا، وہ شوہر مر گیا، پھر اس نے شوہر کیا، پھر وہ مر گیا، پھر شوہر کیا، تو روزے آخر وہ کس کی بیوی ہوگی؟ تو یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ آسمان پر بیاہ اور شادی نہیں ہوتے، وہاں پر سب فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں، اور جو فریسی تھے وہ ان باتوں کو سن کر یسوع کے پیچھے آئے، اور بائبل کہتی ہے کہ شرع کا ایک عالم رات کے وقت چوری چھپے یسوع مسیح کے پاس آیا، چوری چھپے، شرع کا عالم فریسی جب اس نے سنا کہ مسیح نے ان کے منہوں کو بند کر دیا ہے، ان کی بدعت کو دبا دیا ہے، ان کی غلط تعلیم کو دبا دیا ہے، یسوع مسیح نے ذاتی حیثیت میں کوئی گناہ نہیں کیا تھا، یسوع مسیح نے کوئی ایسی بات شرک کی اپنے منہ سے نہیں کہی تھی، بلکہ عزیزو یاد رکھیے یسوع مسیح نے یہودیوں کی ہیکل کا قبضہ
सदूकियों से वापस लिया। यीशु ने कहा तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खूह बना दिया है, तुम यहाँ पर तजारत करते हो जबकि यहाँ पर खुदा बाप की मुनादी होनी चाहिए थी, यहाँ पर कफारे का आला अरफा इंतजाम होना चाहिए था। लेकिन यीशु मसीह इस बात पर उन्हें लाना चाह रहे थे, मेरे बाप का घर दुआ का घर कहलाएगा। अजीजों याद रखिएगा कि खुदावंद यीशु मसीह के दौर में जो लोग खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ थे उन्हीं के पास शरई अदालत का इख्तियार था और शरई अदालत के चीफ जस्टिस को, जज को, आला और मोतबर शख्स को अबरानी जुबान में हनासी कहा जाता है। ये वो हनासी होता है जो फैसला करता है। और हैरान कुन बात सर ये है कि जब खुदावंद यीशु मसीह को सदूकियों ने पकड़ा तो मूसा की शरीयत में हुक्म है कि तुम किसी भी मुजरिम को पकड़ो तो उसे दिन के वक्त पकड़ना, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को शरा से हटकर रात के वक्त गिरफ्तार किया गया। रात के वक्त इसलिए गिरफ्तार किया गया कई कौम के अंदर बलवा ना हो जाए, क्योंकि सदूकी नहीं चाहते थे कि उनके बादशाह की जगह कोई और बादशाह ले ले। सदूकी इस बात से खाइफ थे कि यीशु की तालीम लोगों को अपना पैरू बना रही है और लोगों ने उन्होंने कहा आपस में सलाह और मशवरा किया, देखो जहान उसका पैरू हुआ जाता है, इसके खिलाफ मंसूबा बांधा जाए। उन्होंने जब यीशु मसीह को पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, तो गिरफ्तार करके जब रात को अपनी अदालत में पेश किया है, तो याद रखिएगा आज भी रात के वक्त अदालतें नहीं लगती हैं, अदालतें दिन के वक्त लगती हैं। वो लोग साजिश कर रहे थे, वो लोग कौम को गुमराह कर रहे थे और रात की तारीकी में उन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह पर फतवे जारी किए, इल्ज़ाम लगाए। लेकिन जब कुछ बन नहीं आई तो खुदावंद यीशु मसीह को लेकर पहला तो उसके पास चले गए, रोमी अदालत में ले गए। शरई अदालत उन्हें झूठा साबित नहीं कर पाई और तारीख ये भी बयान करती है कि उस शरई अदालत में 70 बुजुर्गों की काउंसिल जो थी वो पूरी भी नहीं आई थी। हनासी भी वहां पे मौजूद नहीं था, जज भी वहां पे मौजूद नहीं था। वो पेंतुस पिलातुस के पास ले गए और जब पेंतुस पिलातुस ने भी यीशु मसीह के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, फिर उन्होंने खुद फतवे जारी किए, उन्होंने खुद कहा और कौम को उकसाया हमारे लिए बराबा को छोड़, डाकू को छोड़ दे और यीशु को सलीब दे दे। आज भी बहुत सारे लोग अपने लिए शैतान को मांग लेते हैं, डाकू को मांग लेते हैं, बराबा को मांग लेते हैं, यीशु को मांगिए ताकि अबदी जिंदगी मिले। यीशु मसीह के कफारे ने, यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ने ने हमें अबदी जिंदगी दी है और आज इसीलिए वो जुमा मुबारक जुमा बन गया है। सर वो जुमा इसलिए मुबारक है क्योंकि यीशु के सर पर जो कांटों का ताज रखा गया, वो जिस तशक्कुक नामी बूटी से बनाया गया था, उस ताज के अंदर जहर पाया जाता था, उस बूटी के अंदर जहर था और जब कांटे यीशु के सर पर रखे गए, वो जहर उसके जिस्म के अंदर गया तो यीशु चिल्ला उठा, एली एली लमा शबकतीनी, ए मेरे खुदा ऐ मेरे खुदा तूने मुझे ऐसों में क्यों छोड़ दिया। ओरिजिनल तर्जमा है, तूने मुझे ऐसों में क्यों छोड़ दिया। लोगों के जुल्म की इंतहा की बात की जा रही है। सदूकी वहां मौजूद हैं, यीशु पर इल्जाम लगाने वाले वहां मौजूद हैं, लेकिन यीशु मसीह सबके इल्जामों पर गालिब आया है। ये जुमा हमारे लिए मुबारक जुमा बन गया है, तारीकी जाती रही है, जुमा आ गया है और इस जुमे को उसने मुबारक बना दिया है। आमीन आमीन आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, बड़ी खूबसूरती से खुदा के बंदा ने इस मुबारक जुमे के तलक से, गुड फ्राइडे के तलक से बड़ी खूबसूरत बातें की और यीशु मसीह की कुर्बानी के तलक से। और हमारे साथ हैं खुदा के खादम पास्टर सैमसन। आप भी, मैं चाहता हूं कि इसी तरह गुड फ्राइडे के तलक से क्या पैगाम कलीसिया को देना चाहेंगे। थैंक यू पास्टर साहब। वेलकम सर। शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने अपने सुरमाओं को जमा किया ताकि खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाए। आमीन। बड़ी खूबसूरती से दोनों खादमों ने दो चीज़ों को बड़े वसत के साथ बयान किया। ज़बरदस्त चीज़, यानी बेसिक चीज़ जो है, पहले हमें उस गहराई से पाक जुम्मे के बारे में सीखने की ज़रूरत है कि जब बाइबल हमें पुराने अहदनामा के मुताबिक क्या सिखाती है। जो भाई खुरम ने, पास्टर खुरम ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया और उस यीशु की वो सारी खसूसियात और उनके बारे में और वो सारी चीज़ें जो हैकल के पर्दे के फटने से लेकर चट्टानों के तड़क जाने तक, और उसके बाद फिर खुदा के खादम पास्टर इंसराम ने बड़ी खूबसूरत बात बयान की है
کہ جس میں انہوں نے عدالتی لحاظ سے مسیح یسوع کے بارے میں جو سیاست کی گئی ہے اس کو بیان کیا ہے. جو بیسک چیز میں یہ دیکھتا ہوں کہ بائبل مقدس یسوع مسیح کے بارے میں جو مین چیز بتاتی ہے کہ بائبل مقدس کے اندر جب مسیح یسوع کو مسلوب کیا گیا تو اس میں مین فوکس جو ہے وہ کفارہ ہے. یعنی مسیح یسوع کا بنی نو انسان کے لیے کفارہ دینا. اور یہ کفارہ کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کے لفظی معنی ہے ڈھانکنا یا افزانہ دینا. تو خدا ان کے کلام کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ یہ افزانہ اور آدم کے گناہوں کو ڈھانکا کیوں کر گیا. اس میں مین چیز جو ہے ہم یسوع مسیح کا وہ فوکس والی بات جس پر یسوع مسیح نے گتسمنی باغ کے اندر فوکس کیا تھا اور ساری رات دعا کی تھی کہ خداوند اس کفارہ کے لیے تو اپنی قوت اپنے فضل اپنے زور اور اپنے پاک روح کی قدرت سے مجھے بھر دیں. کیونکہ پاک روح کی قدرت کے وسیلہ سے ہی یسوع مسیح ابلیس پر غالب آئے. اور بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے یہی الفاظ دہرائے کہ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی. آمین آمین. کیونکہ مسیح یسوع کے یہ خوبصورت الفاظ اس بات کی شہادت دیتے ہیں, اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مسیح یسوع نے اپنی مرضی کو سامنے نہیں رکھا گو کہ وہ جسمانی طور پر انسان ہوتے ہوئے بھی باپ کے تابع رہے. اور یہ کفارہ دینا کوئی آسان بات نہیں تھی. کیونکہ گتسمنی کے ویو کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ جب یسوع مسیح نے شام 6 بجے کھانا کھانے کے بعد گتسمنی باغ کے اندر گئے ہیں دعا کرنے کے لیے, تو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان لمحات کے بارے میں ہم نے کبھی غور نہیں کیا. کیونکہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح 3 دفعہ اپنے شاگردوں کے پاس آئے. اور یہ 3 دفعہ اگر ہم غور کریں تو 3 دفعہ ہی مسیح یسوع نے اس بات کا اقرار کیا کہ باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور اس مرضی کو پورا کرنے کے لیے یسوع مسیح نے جب گتسمنی باغ کے اندر اس سارے ویو کو دیکھا کہ اب اس رات کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یعنی اگر ہم غور کریں تو اس بات کو کہ خداوند یسوع مسیح 3 دفعہ کتنی دیر بعد آتے رہے, اس بات پر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ میں جس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ مسیح یسوع کی یہ جو رات ہے یہاں سے لے کر مسیح یسوع کے کفارہ دینے تک ٹائمنگ بڑی زبردست نظر آتی ہے ہمیں. یعنی اگر ہم غور کریں تو مسیح یسوع جب پہلی دفعہ آئے تو لکھا ہے کہ شاگرد پہلے آگ تاپ رہے تھے لیکن جب مسیح یسوع آئے تو انہیں سو تاپ آیا. اب یسوع مسیح وہاں پر کوئی 5 منٹ 10 منٹ کے لیے پریئر نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ کم از کم 3 گھنٹے وہاں پر خدا کے ساتھ فیلوشپ کرتے اور 3 گھنٹے کے بعد آ کر کہتے کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو. پھر اسی طرح پھر 3 گھنٹے کے بعد مسیح یسوع آئے ہیں اور پھر کہتے ہیں, یعنی 6 سے 9, 9 سے 12 اور 12 سے صبح 3 بجے تک. اور لکھا ہے ارلی مارننگ یہودا آیا اور اس نے آ کر کیا کیا, مسیح یسوع کو پکڑوانے کے لیے ساری سازش کو سر انجام دیا. اور اس وقت یسوع مسیح نے کیا کہا, اب سوتے رہو کیونکہ میرا پکڑوانے والا نزدیک آ گیا ہے. سو میرے عزیزو یہ جو بات ہے کہ میرا پکڑوانے والا نزدیک آ گیا ہے یہ یہودا کی اس میں کوئی کاوش نہیں ہے کیونکہ خداوند ہی نے اسے مقرر کیا ہے. اور پیدائش کی کتاب کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب خداوند خدا نے ابلیس کو اور آدم اور حوا کو سزا سنائی ہے تو وہاں پر یسوع مسیح کے بارے میں بھی ذکر ہے. خداوند فرماتے ہیں ابلیس کو کہ میں تیری اور آدم کی نسل کے درمیان میں عداوت ڈالوں گا, وہ تیرے سر کو اپنے پاؤں کی ایڑی سے کچلے گا اور تو اس کے پاؤں پر کاٹے گا. اب یہ جو ڈنگ ہے ابلیس کا گتسمنی باغ کے اندر, اس نے مسیح یسوع کو اس قدر پریشرائز یا پریشان کر دیا تھا کہ دیکھ وہ ویو کیسا ہوگا جب تیرے سر پر کانٹوں کا تاج ہوگا, جب تجھے کوڑے مارے جائیں گے, جب تجھے گلیوں کے اندر ذلیل و خوار کیا جائے گا, تو صلیب اٹھا کر جا رہا ہوگا
اور تیرے قدم لڑ کھڑا رہے ہوں گے، لیکن تو کہتا ہے کہ باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ آمین۔ یہ زبردست ویو جو مسیح یسوع کے سامنے ایک انسان ہوتے ہوئے، ایک مرد غمناک ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، پر پھر بھی یسوع مسیح نے کفارہ دینے سے اجتناب نہیں کیا، اجتناب نہیں کیا، بلکہ اس نے کیا کیا، وہ اپنی بات پر قائم رہا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر میں آدم کے گناہ کو ڈھانپوں گا تو باپ کا اور آدم کا ملاپ ہوگا، اگر میں آدم کے گناہ کو نہیں ڈھانپوں گا تو کبھی باپ کا اور آدم کا ملاپ نہیں ہوگا، کیونکہ یوحنا کہتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین، آمین، آمین۔ تو میرے عزیزوں، میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں آج خوبصورت کلام کی ان باتوں کے لیے جو خدا کے خادمین کے وسیلہ سے آپ سب نے سنی ہیں۔ وقت ہے ہم سب مل کر آپ سبھی کے لیے برکت کی دعا کریں۔ آئے مل کر دعا کرتے ہیں۔ خدا باپ، تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے ہم تیرے خادم مل کر تیری پاک حضوری میں آتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے، تیرے نام کو مبارک کہتے، اور اے خدا ہم خدا تیرے خادمین کے لیے میرا دل تیری پاک حضوری میں شکر گزاری سے بھرا ہے۔ آج خدا ہم خدا تو نے یہاں پر لے کر آیا، اور بہت ساری خدا ہم پاک خدا خوبصورت باتیں جو تیرے کلام کی باتیں ہیں، جو سچائی ہے خدا، تو نے اپنے لوگوں تک پہنچائی ہے۔ خدا ہم جتنوں نے تیری آواز کو سنا ہے سب کو برکت دے۔ تیرے خادمین کے لیے برکت چاہتا ہوں، سننے والوں کے لیے برکت چاہتا ہوں، ملک پاکستان کے لیے برکت چاہتے ہیں، حکومت پاکستان کے لیے برکت چاہتے ہیں، اور اے خدا تیری منت کرتے ہیں کہ تیری نگاہ اسی طرح پاکستان پر برکت دینے کے لیے لگی رہے۔ مسیح خداوند یسوع کے نام سے آمین۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر خرم، خدا آمد آپ کو بہت برکت دے۔ آپ نے بڑا اسپیشل وقت نکالا آج تاکہ بہت ساری کلام کی باتیں کلیسیا تک پہنچائی جائیں۔ اور ڈاکٹر انسرام، تھینک یو ویری مچ، آپ کے لیے بھی خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ کے آنے کے لیے یہاں پر خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور پاسٹر سیمسن، خدا ہم آپ کو بھی برکت دے، اور آپ کے لیے بھی خدا ہم کے شکر گزار ہیں۔ تو ناظرین، میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج یقیناً آپ نے برکت پائی ہے۔ اسی طرح پریس ٹی وی دیکھتے رہیں اور برکت پاتے رہیں، بلکہ ہمارے لیے بھی اسی طرح دعا کیا کریں تاکہ ہم اس طرح خدا کے خادمین کے ساتھ مل کر اچھے پروگرام آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے رہیں۔ خدا ہم آپ سب کے ساتھ ہو۔ آمین۔